सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ शामिल रहिए और हम दुआ करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए आप सबको आशीष मिले। सबसे पहले हम हमरिन पास्टर रिक खोयर और फबियाना मलसुम क्लुआंगी की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम श्री लश्वाई क्लुआंगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 13
से लेकर हम 17 पद तक देखते हैं। यीशु कैसरे फिलिपी के देश में आया और अपना चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यरमया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रागत की है। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। इसी समय हम परमेश्वर के वचन आपके सामने थोड़ा सा प्रागत करना चाहेंगे। विषय के लिए ये रखना चाहूँगा, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? संसार ये जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन संसार प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है कि जैसे ही पवित्र बाइबल हमें बताती है, और बाइबल भी चाहते हैं संसार को बताना प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की कहानी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारे जगह में जाकर यीशु समाचार प्रचार करने का मतलब भी ये है, प्रभु यीशु मसीह कौन है करके लोगों को सुनाइए। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता है, परमेश्वर का बेटा है और उसके द्वारा हम लोग जीवन पाते हैं, इसी को जरूर सुनाइए। ये बाइबल का मकसद भी होता है। इसलिए इसी समय में हम प्रभु यीशु मसीह कौन है इसी विषय के आधार पर परमेश्वर के वचन सुनेंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर यरूशलेम शहर पर प्रवेश किया था। उसी समय बहुत से लोग होसना खाकर उसको प्रशंसा किया, लेकिन लोग आपस में ऐसे ही कहना शुरू कर दिए, ये कौन है करके। आपस में ये कहना शुरू कर दिए, ये कौन है करके। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को देख के उसका काम देखेंगे, उसका अचंभे कामों को देखेंगे। बहुत से लोग के कहना अलग अलग होता है। कोई ने तो बोलते हैं, जैसे जो पवित्र बाइबल जो हमने पढ़ा था उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कोई, और कोई किसी ने तो बोलते हैं एलिया बोलते हैं, कोई ने तो बोलेगा यरमया बोलते हैं, कोई ने तो बोलते हैं भविष्यद्वक्ता में से कोई फिर जी उठा है करके बोलते हैं। और आज तक हम लोग संसार को पूछेंगे तो जरूर ये बोलेगा, कोई किसी ने तो परमेश्वर, ये परमेश्वर का अवतार के रूप में मानते हैं उसको। कोई किसी ने बोलेगा वो तो एक नबी मानेगा, कोई किसी ने एक परमेश्वर जो शरीर बनकर जो कोई किसी के द्वारा संसार में अपना दर्शन देता है उसके रूप में मानते होंगे। लेकिन औरों को तो छोड़, आज हम चाहेंगे आप प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं और पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना तक पूछने के बाद में उसने फिर उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अपना चेलों से पूछा था। शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पत्रस ने इसी तरह जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके। ये सही जवाब है। यीशु कौन है, इसका जवाब पहले नंबर में परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र है करके मानना बहुत कठिन है। परमेश्वर पुत्र पैदा करने के लिए, बेटा पैदा करने के लिए कोई किसी के साथ में शादी करके ऐसे बुरे काम करके पैदा नहीं कर सकेगा करके लोग कहते हैं, ये सही बात है। परमेश्वर का बेटा बोलने के कारण ये बात ये नहीं है कि परमेश्वर कोई किसी औरत के साथ में शादी करके बच्चे पैदा किया, ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर
पापी मनुष्यों को छुड़ाना है पाप से, पापी मनुष्यों को शैतान के हाथ से निकालना है, इसलिए स्वर्ग से उतर के, स्वर्ग से उतर के मनुष्य के रूप लेकर आया, एक कुंवारी मरियम के पेट में जन्म लिया, इंसान के रूप लेकर दुनिया में आया था। इसलिए हम लोग जानना है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र पुत्र के रूप में आया वो, अपना महिमा पिता के रूप में तो नहीं आया, पुत्र बनकर दुनिया में आया था। क्रिश्चियन लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा है करके बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर का बेटा है, ये बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सामने बपतिस्मा लेने के लिए गया यरदन नदी में, उसी समय में पुत्र बपतिस्मा लिया और आकाश खुल गए और आकाश से आवाज निकले और उसी आवाज इतना तक ही सुनाई दिया, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। खुद खुदा ने बोला, खुद परमेश्वर ने बोला प्रभु यीशु मसीह को, ये मेरा पुत्र है करके। इसलिए आज हम लोग जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है। आज प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप लेकर आया, एक मरियम के पेट में जन्म लिया, पुत्र बनकर आया, परमेश्वर का बेटा ही है वो। एक तरफ से नबी है, एक तरफ से वो तो एक पैगंबर के रूप में मानो कोई बात नहीं, लेकिन खुद खुदा ने तो बोला है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, उसको सुन करके उसने बोला है। और दूसरे नंबर में प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, दूसरा नंबर में ये हम लोग ये प्रागत करेंगे, पापियों का उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है। हमारे पवित्र बाइबल में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 21 पद में, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसी तरह स्वर्ग दूतों के द्वारा परमेश्वर के ये वचन परमेश्वर के कहना हम लोग सुना है, मरियम के पेट में जो बच्चा आया, खुद मरियम ने भी नहीं जानती थी, जिसके साथ शादी करने के लिए पूरा तैयार किया था यूसुफ को भी नहीं मालूम था, लेकिन वो स्वर्ग दूत ने ये बताया गया मरियम गर्भवती होगी, बच्चे जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा करके। ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं, जिसके पेट में बच्चा आ गए वो तो खुद मालूम होना चाहिए उसका बाप कौन है, मालूम होना चाहिए, लेकिन मरियम मालूम नहीं था, जिसके साथ शादी करने के लिए पूरा तैयार था वो यूसुफ को भी मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रागत किए मेरा बेटा और उसके बाद में ये बोला है उसका नाम में यीशु रखना होगा। यीशु का मतलब ये है परमेश्वर, यीशु का मतलब ये है तो उद्धार करता, यीशु का मतलब ये है उद्धार करता। उसके बाद में ये हम लोग फिर देखते हैं, उसने अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा करके हम लोग फिर उसके नीचे में देखा है। प्रभु यीशु मसीह जैसे नाम दिया वैसे ही काम भी किया, उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, पालन पोषण अपने माँ के गोद में ये होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का लगभग 30 साल की उम्र से सेवा करना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया, बहुत से लोग चंगा दिलाया और उनको सुधारा, उनके जो बीमारों को चंगा किया और बहुत अचंभे काम दुनिया में दिखाया, और उसके अंतिम समय में पापियों के लिए उसने अपना प्राण दिया, पापी मनुष्य के लिए उसने अपना प्राण दिया। ये पापी संसार दुनिया पाप में गिर गए थे, अपने आप पवित्र नहीं कर सकता था, अपने आप पवित्र नहीं कर सकता था, लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र कर दिया और उनको पाप की मृत्यु मिलना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के जो पापी मनुष्य के बदले में अपना प्राण दिया, अपना जान दे दिया। इसलिए आज हम लोग
प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में मृत्यु सहन किया। प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से छुटकारा दिलाने के लिए उसने अपना प्राण दिया, अपना जान दिया। परमेश्वर का कहना ये था, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये परमेश्वर का पवित्र बाइबल के कहना था। इसलिए बहुत से लोग लहू बहाना ही ये शुरू करते हैं, जानवरों के लहू बहाते हैं और कई पक्षियों को लहू बहाते हैं, लेकिन श्रापित दुनिया के लहू द्वारा हमारे पाप साफ किए नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा हर एक इंसान के पाप पूरा साफ किया जा सकते हैं। इसलिए आपके पाप भी साफ किया जा सकते हैं। हम अपने पवित्रता के लिए बहुत से परेशानी उठाया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थिति को पूरा जानते हुए खानदान से आदम बाबा मैं हवा में से और हमारे कुल माता पिता आदम और हवा में से जो पापी संतान दुनिया में जन्म लिए, हम आप और हम उनको अपने आप पवित्र नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे स्थिति को देखकर, मेरा हाथ का मनुष्य इतना बेकार स्थिति में पड़ा है, नरक कोने के दरवाजा पर गिर पड़ा है, उनके प्राण खत्म होने के साथ साथ दरवाजा खोलेगा वो लोग तो फिर नरक कुंड में चले जाएंगे। इतना तक परमेश्वर ने जानते हुए दुनिया में बेटा के रूप लेकर आया। उसने जो करना है पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, हम लोग को मुक्ति दिलाने के लिए अपना जान को कुर्बानी, अपना जान को बलिगिरी चढ़ाने दिए है। कितना महिम, कितना ये सुंदर वचन है, कितना बड़ी बात है ये। इसलिए आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहिए। पापियों का उद्धार करता है, पापियों का उद्धार करता है। हम दुनिया में बहुत से लोग जन्म ले चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बराबर, प्रभु यीशु मसीह की तरह जैसे पालन पोषण और काम कार्य और उसने अपना प्राण दिए, वैसे ही कोई किसी ने नहीं किया और करने से भी हो नहीं सकेगा कि इंसान पाप से छुटकारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से आया, उसने पाप से हमको छुटकारा दिलाया, आपको पाप से मुक्ति दिया। धर्म स्वीकार करने का मतलब ये है, धर्म पालन करने का मतलब ये है, हम उधार पाए, हम पाप से मुक्ति मिले। आपका जो पाप है उसी को मुक्ति कौन दिला सकते हैं? जिसको हम लोग सुबह शाम नाम लेकर हम प्रणाम करते हैं, उन्होंने हमको उधार दिलाया है, हमको मोक्षा दिया है, कि हमको मुक्ति दिया है कि क्या दिया। खास करके बहुत से जो हम जिनको हम लोग प्रणाम करते हैं, जिनको हम लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, जिनको हम लोग ये परमेश्वर के रूप में मानते हैं, जिनको हम लोग प्रणाम करते हैं, उन्होंने इसी तरह हमको बताते हैं, ये करो ये मत करो। जो दंड देने वाले के रूप में हम लोग ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह दंड देने वाले के रूप में नहीं, हमको पाप से मुक्तिदाता के रूप में मानना बहुत जरूरत है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को पाप से मुक्तिदाता है करके जानना ही चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह छोड़ के हम लोग मुक्तिदाता दुनिया में मिला तो ठीक है, लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है पाप से मुक्ति दिलाने वाला। एक दिन लोगों ने एक स्त्री, व्याभिचारी स्त्री खींच खींच कर ले आया था, खींच खींच कर ले आया था प्रभु यीशु मसीह के पास में। प्रभु यीशु मसीह से पूछने शुरू कर दिया, प्रभु आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थर वो करना है, पत्थर से मार मार के खत्म करना है। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहा और बैठ के जमीन पर लिखना शुरू कर दिया, तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले पत्थर से मारे। जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें से निष्पाप वाले कोई नहीं है, निष्पाप वाले कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को देख के मैं पापी, कुछ ना कुछ टूट फूट जीवन है उनमें, इसलिए एक एक करके छूपना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया, एक एक करके चले गए। बाद में आखिरी में तो वो स्त्री और प्रभु यीशु मसीह
उस स्त्री जो व्यभिचार स्त्री और यीशु मसीह दोनों ही जो बीच में था वो लोग ही रह गए। यीशु ने पूछना शुरू कर दिया स्त्री को, किसी ने तुझे दोष नहीं लगाया? किसी ने नहीं। यीशु ने फिर बोला हम भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हम भी तुझ पर दोष नहीं लगाएंगे, जा और दोबारा पाप ना करना। केवल यही कहा, इसलिए पापी ने स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह द्वारा ओ पत्थर से मार के खत्म करना था, उससे बच गए। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को पापियों के लिए उधार करता, पाप से क्षमा करता है। आपके पाप और हमारे पाप उसने अपने ऊपर में ले लिया। निष्पाप परमेश्वर का बेटा, निष्कलंक पाप से अज्ञात परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह ने आपके पाप जितना है अपने ऊपर में ले लिया। उसी पाप का दंड क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके पाप प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा मिटा दिया गया है, इसलिए आप पाप से आजाद मिल गए। और तीसरे नंबर में फिर ये बोलना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह कौन है? पापियों के लिए जीवन दाता, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन और हमारे जीवन नकली जीवन है? आपके जीवन और हमारे जीवन नकली जीवन माँ के पेट से कवर तक के जीवन है। हम लोग माँ के पेट में से जन्म लिया और कवर तक पहुंचने के लिए हम लोग समय बिताया संसार में, कभी खुशी कभी गम की तरह, कभी हम लोग हंसते हैं कभी रोना पड़ता, कभी मुंह मीठा कभी मुंह में करवा, ऐसे ही कभी तीता वैसे ही हमारे जीवन बदलते आया। और हमारे जीवन तक वो हमारे जो कवर में ही खत्म हो जाएगा। जिन्होंने लाश को जला देते हैं उनके लिए तो अंगर तक, जिन्होंने कवर में डाल देते हैं उनके लिए तो कवर तक ही। हमारे नकली जीवन में असली जीवन घुसा नहीं चाहते हैं, दे नहीं चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे अभी हमने बोला था क्रोस पर अपना प्राण दिया, उसका मतलब ये है क्रोस पर अपना प्राण दिया, हमारे नकली प्राण में असली प्राण को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रोस पर अपना प्राण भी दिया है। पूरा हुआ करके भी बोला प्रभु यीशु मसीह मर भी गए हैं। देखिए बहुत से लोग हमको पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों मरता है, वो तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर कहां मरेगा, ये हमको पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरने का मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, प्रभु यीशु मसीह मर गए करके हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब ये है हम लोग पाप के दंड मिलकर मृत्यु का दंड मिलकर मरने वाले थे, लेकिन आपके बदले में प्रभु यीशु मसीह मर गए और हमारे नकली जीवन में उसका असली जीवन को बदल लेने के लिए संसार में अपना जीवन छोड़कर अभी तो स्वर्ग में चले गए, संसार में अपना असली जीवन को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। उसी जीवन को आज हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, उसी अनंत जीवन को हम लोग ये विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। पवित्र बाइबल ये कहते हैं जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता है वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये हम लोग पवित्र बाइबल में से दिखते हैं। इसलिए इसी समय में जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, मिलेगा। जैसे हमारे नकली जीवन पापी जीवन नहीं, इसमें परमेश्वर के जीवन आएगा। आपके जीवन में जब तक परमेश्वर का जीवन नहीं आएगा थर थराते हुए कपते हुए समय बिताना ही पड़ेगा संसार में, धरपोक जीवन बिताना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के जीवन आपके अंदर में प्रवेश करेगा तो संसार में आराम से विश्राम से शांति से सुखी जीवन आप पा सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जानना चाहिए, जीवन दाता है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है करके हम लोग जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के बेटा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पापियों को बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को
बेटा है और जीवन दाता है, उधार करता है करके हम लोग जो मानेंगे अनंत जीवन, ये हमारे पलवरिक जीवन पूरा ही, ये शारीरिक जीवन हम लोग दुनिया में ये खत्म होने के बाद में सुखी जीवन बिताने के लिए हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे, आमीन। आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए आशीष हो। अभी हम दो और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे, खदल साउथ फीमेल वॉइस की ओर से और उसके बाद आइजोल वेस्ट एरिया क्वायर की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा।
इस महान रेस के, भारत देश महान रेस के, यीशु के मेरा भारत देश महान रेस के, यीशु के ये प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना, फिर से हो स्वर्णम भारत की स्थापना, से प्रार्थना फिर से वो स्वर्णम भारत की स्थापना। यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा, पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये बेचारा। यीशु नाम की जय की जय की जय जय बोलो जग सारा, पर प्रेम शांति की हवा सदा कायम हो गए ये बेचारा। भारत देश महान मेरा भारत देश महान, यीशु के आशीष से नित होगा नव निर्माण। भारत देश महान मेरा भारत देश महान, यीशु के आशीष से नित होगा नव निर्माण। समदा हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में, जिससे की समदा हो हर भारतवासी में, देश प्रेम की चाहत हो हर भारतवासी में, हर भारतवासी में मन पे साध भावना करके परमेश्वर यीशु से हम प्रभु में
शिष्य नित होगा नव शुद्ध पवित्र विचार दीजिए हमको प्रभु यीशु, भेदभाव से दूर कीजिए सबको प्रभु यीशु, अमन से बाहर कीजिए भारत में यीशु, हर दिल की आवाज ही है जय 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 यीशु, अमन से बाहर कीजिए भारत में यीशु, हर दिल की आवाज यही है जय 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 यीशु, सिद्धा का संसार जगत में कीजिए, हम है तेरे हमको अपना लीजिए, सिद्धा का संसार जगत में कीजिए, हम है तेरे हमको अपना लीजिए, आज के इस कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए हम अभिनंदन करते हैं। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर देने के लिए हमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।